वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बबल कैसे बनाए चिंगम से। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ बूमर। इस चिंगम के थ्रू हम बबल बनाना सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करेगा। और जो भी स्टेप्स वीडियो में बताए जाते हैं आपको, उनको प्रैक्टिस करना और उसके बाद आप मुंह से बड़े बड़े अच्छे अच्छे बबल्स बना सकते हैं और सबको दिखा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले इन चिंगम को निकालिएगा बूमर को और मुंह में रखिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में किसी भी चिंगम से अगर आप बबल बना रहे हैं, बूमर हो, सेंटर फ्रूट हो, कुछ भी हो, तो एक चिंगम मत लीजिएगा, उसके लिए दो या तीन चिंगम लीजिएगा। जैसे कि ये दो चिंगम है, दोनों को एक साथ रख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा तीन चिंगम, दो से तीन चिंगम मिनिमम आप स्टार्टिंग में अपने मुंह में रखें। और रखने के बाद उनको इस तरीके से चबाइएगा ताकि उसके अंदर चीनी या शुगर जो होती है वो अच्छे से घुल के उसमें से खत्म हो सके। उसी के बाद आप अच्छे से बबल उससे बना सकते हैं। जब तक वो शुगर उसके अंदर, चीनी उसके अंदर रहेगी, आप बबल नहीं बना पाएंगे। तो मैंने टोटल तीन चिंगम लिए हैं। इन तीन चिंगम को लेने के बाद मैं अच्छे से चबाऊंगा इस तरीके से। तरीके से चबाने के बाद जब शुगर उसकी खत्म हो जाएगी तो चिंगम आपकी रेडी हो जाएगी बबल बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले मुंह और जीभ की मदद से कुछ इस तरीके से उसको फ्लैट कर लीजिएगा। फ्लैट करने के बाद जो आपकी जीभ है, जैसे कि ये आपकी जीभ है, उस पर इस तरीके से मुंह की मदद से उसको इस तरीके से लगा लीजिएगा। मैं दिखाता हूं, कुछ ऐसे आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद अंदर से जो उसकी ऊपर वाली लेयर है और नीचे वाली लेयर है उसके अंदर दोस्तों उसको होंठ के मदद से अच्छे से टाइट कर लीजिएगा और मुंह के अंदर से उसमें हवा भरिएगा तो आपके जो बबल्स है इस तरीके से फूलेगा। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिएगा इस तरीके से बबल बनेगा। और बात करें बड़ा बबल बनाने की, तो जैसे जैसे चिंगम को आप ज्यादा चबाएंगे उसके बाद उसके बबल का जो साइज है वो बड़ा बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसकी शुगर जो है निकल जाएगी। स्टेप में एक बार और बता देता हूं, चबाइएगा, शुगर निकाल लीजिएगा, उस तरीके से फिर इसको फ्लैट ऐसे बनाइएगा। कभी भी स्टार्टिंग दो चिंगम से कम में मत कीजिएगा क्योंकि एक चिंगम में नहीं बना पाएंगे। जब आपको बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक चिंगम क्या आधी चिंगम से भी बड़े बड़े बबल्स बना सकते हैं।